फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। ये पेपर देख रहे हैं, ये है आपका वेटरनरी ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है 2/8/2020 को। उसके एग्ज़ाम की 101 से लेके 150 क्वेश्चन के सभी के आंसर की जो आपके सामने पेश है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर भी है जो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें मदद करेगी। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट अपने 150 क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और फटाफट देखते हैं इसका आंसर की को। यानी पशु चिकित्सा अधिकारी जो आपने दिया था एग्ज़ाम, उसका पेपर है ये। और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं फटाफट। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं, तो आपका जो भी मीडियम रहा हो आप आराम से इसको देख ले। मैं पहला क्वेश्चन, मैं अगर आप बोले तो हिंदी में पढ़ दूँ या इंग्लिश में पढ़ दूँ, बात एक ही है। चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स ऑल्सो हैज़ मियोफॉलर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, लाल देसाई, ठीक है, या लाल दासी बोल सकते हैं, सॉरी लाल दासी ही आंसर है इसका। सेकंड है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कामाच्या? तो ये जो आपका कामाच्या जो है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। तो कामाच्या इज सेड टू बी द प्रिसीजर ऑफ वॉयलिन, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आ जाइए फटाफट तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हु वाज द प्रोड्यूसर ऑफ प्रोपाउंडर ऑफ कुचामिनी क्याल? तो इसका आंसर था लच्छी राम, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट ए ट्रिबल डांस? तो कौन सा डांसेस नहीं होता? तो घूमर एक ट्रिबल डांस नहीं है, ठीक है, जनजाति नृत्य नहीं है। अब इसके बाद में आ जाइए पांचवे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गेव द पाटोरेंच टू ब्लू पोएट्री? तो जयपुर के सवाई मानसिंह जो थे, या सवाई मानसिंह ऑफ जयपुर, वो जो थे ब्लू पोएट्री को संरक्षण दिया था, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंबिका माता टेम्पल इज सिचुएटेड एट? वो कहाँ पर है? तो जगत उदयपुर में, जगत जगह है उदयपुर में, वहाँ पर सिचुएटेड है। सातवां क्या है? क्वेश्चंस 150 है तो फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि टाइम नहीं है इतना। मैं ऑप्शंस बोल दूंगा, ये आंसर सही है और सब पे टिक लगा रखा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। फटाफट देखते हैं सातवां, व्हेन द पुष्कर कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज? तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, कार्तिक माह में। आठवां क्वेश्चन है, द ज्वेलरी विच इज़ नॉट वॉर्न ऑन हेड, तो उसको बोलते हैं कंदोरा, फोर्थ ऑप्शन सही है। नाइन्थ है, आर्कियोलॉजिकल साइट गुलंड इज रिलेटेड टू? तो आंसर पहला इसका बिल्कुल सही है। दसवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज ऑर्गेनाइज ट्वाइस इन ए ईयर? तो आंसर 3 इसका सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, गर्सिया ट्रिब इज मेनली फाउंड इन? तो आंसर है इसका सेकंड, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में आ जाइए बारहवें क्वेश्चन पे, ग्रह बिटाली इज ऑल्सो नॉन एज? तो आ जाएगा तारागढ़, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तेरहवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज सिचुएटेड इन रणथंभौर? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, जोगी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियंट हिस्टोरिकल साइट नगर इज लोकेटेड इन? तो आंसर है 3, टोंक। पंद्रहवा है, पोमाचा ए काइंड ऑफ ओढ़नी इज वॉर्न इन राजस्थान? तो ये ओढ़नी जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा माँ बनने के उत्सव पर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोलवा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन सेंट्रल अरावली? थर्ड ऑप्शन इज सही है, नागपहाड़। उसके बाद में, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ इज लोकेटेड इन? तो पहला ऑप्शन इसका सही है, मेसा पठार पर। और उसके बाद में आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे, बेडलैंड टोपोग्राफी इज फाउंड इन? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। 19वां है, विच अमोंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डेजर्ट हैज़ लॉस्ट एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल? तो इसका साउथर्न पार्ट है, सेकंड ऑप्शन सही है। 20वां है, रिवर बीच ऑर्गिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से निकलता है? तो गोगुंडा हिल्स, फर्स्ट आपका सही है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, इन राजस्थान वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज़
लोवेस्ट इन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 22वां है लार्ज पार्ट ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा हैव, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, रोड लोम सॉइल। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ लोएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, चूरू एंड जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड लोएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 टू 2011, तो इसका आंसर 3 है, पाली, झुंझुनू और गंगानगर। 25वां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन इन द ब्लो, तो आपका जो कोड्स इसका होगा जब आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसका 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, फ्रॉम अप्रैल 1999 ऑनवर्ड्स डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP इज बीइंग फाउंडेड बिटवीन सेंटर एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, तो 75:25 के बेसिस पे, चौथा ऑप्शन सही है। 27वां, एज पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेफिनेशन सर्व डॉट इज वैन रेनफॉल डेफिशेंसी एक्सीड 50%, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आ जाइए 28वें क्वेश्चन पे, तो 28वें क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड नोटिस टू सेंटर हरियाणा एंड राजस्थान फॉर मेसिव डिफोरेस्टेशन इन अरावली इन जून 2018, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था, फर्स्ट ऑप्शन सही था। और 19वां है आपका, सॉरी 29वां है, सॉइल फाउंड इन डीडवाना, और उसके बाद में आपका पचप्रदा और सांभर झीलों में मृदा जो पाई जाती है वो कैसी होती है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में 30वां है, मैच करना था फॉलोइंग को, तो इसमें दो पेयर्स दिए थे, तो इसका आंसर जो सही होना था वो है फोर्थ, 3412। इसके बाद में 31वां जो क्वेश्चन है, झालावाड़ इज लोकेटेड ऑन, तो आपको बताना था तो हड़ौती पठार पर है ये, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 32वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीक रेंज लोकेटेड इन साउथ अरावली, तो आपको अचलगढ़ जो है इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। और 23वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में आ जाइए 34वें क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरिया ऑफ राजस्थान हैविंग एवरेज रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर, तो आंसर नंबर 4 सही है। और इसके बाद में आ जाइए 35वें क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो नोन एज देबर लेक, तो इसका आंसर 3rd सही है। लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान एज पर 2011 आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66.1। 27वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन जो है इसमें मैच करना है फर्स्ट और सेकंड को, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही है, जिसमें आ जाएगा 4321। 38वां क्वेश्चन है, बावरी ब्रीड इज रिलेटेड विद, तो नंबर 3 बकरी से रिलेटेड है। और 39 क्वेश्चन है, द हैबिटेट ऑफ फ्लाइंग स्क्वेरल इज, तो इसका आंसर सेकंड सही है, सीता माता जो है सेंचुरी वो है। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान इज लार्जेस्ट इन एरिया, तो आपको रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, 40वें का फोर्थ आंसर सही है। 41वें में मालीनाथ एनिमल फेयर इज ऑर्गेनाइज एट, तो आपको बताना है तिलवाड़ा में ये होता है, फोर्थ ऑप्शन सही है। 42वें क्वेश्चन में मैच करना है आपको, तो इस मैचिंग का जो आंसर है वो पहला आंसर सही है, 1342। उसके बाद में 43 जो क्वेश्चन है इसमें है, तरपाकर ब्रीड ऑफ कैटल इज बिलीव्ड टू बी ऑरिजिनेटेड एट, तो मालानी में होता है ये, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 44वां क्वेश्चन, विच कैटल ब्रीड इज ऑल्सो लोकली नॉन एज अजमीरा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद में ब्लैक बक इज मॉस्कोट ऑफ, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 46 है, तोरावटी डिलेक्ट इज प्रिवेंट एट, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है।
और इसके बाद में प्रीवेलेंट 37वां है, मैच द फॉलोइंग ऑथर और टेक्स्ट दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑथर और टेक्स्ट को मिलाने के बाद में थर्ड ऑप्शन सही है, ए सी बी डी। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, द फोक संग ओलिन इज संग, ओलिन जो है ये, तो इसका आंसर फर्स्ट सही है, प्रिय की याद में या फिर इन मेमोरी ऑफ बिलव्ड। और 49 है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द मालीनाथ टेम्पल ऑफ तिलवारा इज सिचुएटेड, तो लूरिन रिवर इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। 50वां है, चूज द पेयर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द सेंट वर्ड द डिसिपल्स ऑफ रासमन, तो इसका आंसर फोर्थ आपका सही है। 55वां है, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी इज़ ड्यू टू, तो सेकंड ऑप्शन सही है। 56वां है आपका, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस और क्रोमोसोम्स इज नॉन एज, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 57वां है आपका, द रिस्पॉन्स टू सेलेक्शन इनक्रीज वैन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। और 58वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स सिस्टम टाइप फीडिंग स्टैंडर्ड, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। 63 में बात करें, मैक्सिमम लेवल ऑफ इंक्लूजन ऑफ मेज इज पोल्ट्री रेशन इज, तो इसका आप 60% हो जाएगा। और 64वां है, विच वन ऑफ द एमिनो एसिड इज़ वन ग्रेटर प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इन द डाइट ऑफ स्वाइन, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 65वां है, हाउ मच केजी ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ फीड इनटेक इज़ रिक्वायर्ड बाय हॉर्सेस, तो सेकंड ऑप्शन सही है। 66वां है, द पीएच रेंज ऑफ द ब्लड क्वालिटी सिलेज इज, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नॉन डाइजेस्टिबल फूड सब्सटेंसेस दैट सेलेक्टिवली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फेवरेबल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इन गट आर कॉल्ड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 73 क्वेश्चन की बात करें, 67 के बाद 68 की बात करें, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएबल पैथोलॉजिक बैक्टीरिया अमोंग द फूड लीड टू देयर लोकमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट इन कंज्यूमर्स ऑर्गन इज टर्म्ड एज, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूसेस ऑर्डर वाज प्रोमुलेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन सही है 92 में। 17वां क्वेश्चन है आपका, द टर्म कोशर इज रिलेटेड टू, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन है, मीना माता डिजीज इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय, फर्स्ट ऑप्शन सही है मरकरी। और 72वां क्वेश्चन है आपका, ए मॉडरेट डिस्प्रेशन ऑफ मिनट ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर इज नॉन एज, तो मिस्ट बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, एंटी हाइड्रेटेंसिव ड्रग लोसरेंटन एंड एनल्ला प्रिल एक्ट एज, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 74th जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द एजेंट रिकमेंडेड इन ट्रीटिंग द ऑर्गेनोफोस्फोरस पॉइजनिंग बट नॉट इन द कार्बोमेट पॉइजनिंग केसेस इज, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। और 75वां है, सल्बू टामोल एंड टर्बू टालाइन आर वाइडली यूज फॉर, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। 76 क्वेश्चन है, द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग एज फिक्स्ड क्वांटिटी एंड ऑफ फिक्स्ड फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम इज एसोसिएटेड विद, 76 का फोर्थ ऑप्शन सही है। 77, विच नॉन स्टोरिडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ इरिवर्सिबल ब्लॉकेज ऑफ बोथ द आइसो एंजाइम्स COX-1 एंड COX-2, तो एस्प्रिन थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 78वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो थर्ड जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन सही है। 79 क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपका आ जाता है, विच अमोंग द फॉलोइंग होमोफिलस
सब रिक्वायर्ड या सप्लीमेंट्री रिक्वायर्ड्स ओनली फैक्टर वी बट नॉट फैक्टर एक्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद में 80 जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, तो सेकंड जो पेयर है वो मिसमैच है। और इसके बाद में 81 का क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ हिस्ट्रोक्सिक क्लोरो क्लोस्ट्रीडियम एंड इट्स एसोसिएटेड डिजीजेज इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 82वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डर्माटोफाइट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 83वां क्वेश्चन है, क्यूकुम्बर सीड सेव्ड ग्रेविड प्रोग्लोटाइट्स आर पास्ड आउट इन फेसिस ऑफ डॉग इन्फेक्टेड विद, सेकेंड ऑप्शन सही है। 84वां है, एनल प्रूरिटस इन हॉर्सेस इज सीन इन इन्फेक्शन विद, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। और 85वां क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे, पाइपराजाइन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस अगेंस्ट, फोर्थ ऑप्शन सही है। और जो 86 है, सटल प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ, फोर्थ ऑप्शन सही है। और 87वां है जो है, थ्री स्ट्रिप्स ऑफ ऑन द थोरेक्स इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, फ्लैश फ्लाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 फर्स्ट लाइन ऑफ सेलुलर डिफेंस आर, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और 89 क्वेश्चन है, ए ट्यूमर अराइजिंग आउट ऑफ एन एम्ब्रोइनिक डिफेक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ टिश्यू डेवलपिंग फ्रॉम ऑल गर्मिनल लेयर्स इज नॉन एज, थर्ड ऑप्शन सही है। 90वां क्वेश्चन है, ये मोस्ट पोटेंट एफ्लाक्टोसिन इज, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 91 है, इन्फ्लेमेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। और 92 है, इन इंटेंसिव स्पेशली इन द सीसम एंड कोलोन करेक्टरिस्टिक्स बटन अल्सर्स आर पैथोजोनोमिक लेसन ऑफ, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, 93, लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस बाई ऑर्गन मूवमेंट बाई यूजिंग स्थेरोस्कोप इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड कॉमनली नॉन एज, सेकेंड ऑप्शन सही है। 94 है आपका, बोटुलिज्म रिजल्ट फ्रॉम इंजेशन ऑफ परफॉर्म्ड एक्सोसिन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 95 में, इन विच ईयर वेनेटरी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश बाई द इंडियन वेनेटरी काउंसिल एक्ट, तो 1984 की बात है ये। और 96 क्वेश्चन है, वाइविन एम्फेरियल फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 97, विच वन ऑफ द प्रिस्क्राइब टेस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रुसेलोसिस, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब 98 देखते हैं, ट्रूल्ड टूई टोई पैरालिसिस इन चिकेंस रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो B2 विटामिन की वजह से होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। 99 है, लैक्टिक एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। 100वां जो है आपका, इन विच फॉर्म ऑफ सूरा अफेक्टेड एनिमल्स सफर फ्रॉम फीवर और सर्कलिंग मूवमेंट इनको ऑर्डिनेशन हेड प्रेसिंग अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट्स ब्लाइंडनेस और कन्वुलशन एंड डेथ, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 101 नंबर जो क्वेश्चन है, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ फीवर हाई ग्रेड एंड सोलेन सुपरफेशियल लिम्फ नोड्स इज क्रॉसबर्ड काउ कॉल्स आर इंडिकेटिव ऑफ विच डिजीज, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 102 नंबर की बात करें, फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज लुब्रिकेंट्स फेशियल सॉफ्टनर्स एंड प्रोमोटिलिटी
एजेंट्स आर गिवेन, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। 103 नंबर की बात करें तो लो मिल्क फैट सिंड्रोम इन कैटल ऑकर्स ड्यू टू, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इन पोल्ट्री एंगेजमेंट ऑफ द वेलेस लेमेंस एंड टॉरकोइल्स ऑकर्स इन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 105वां, कुछ डॉक्टरी लैंग्वेज है वो समझ में भी थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आती है। 5वां है ब्रुसलिन स्किन टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 106 नंबर है क्रॉनिक इक्विन इन्फेक्शस एमीनिया इज यूजली एसोसिएटेड विद, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 106 के बाद में चलते हैं 107 नंबर पे, तो ऑस्टेफागिया और इन्फेनोटोफागिया एंड कोप्रोफागिया आर टाइप्स ऑफ विच कंडीशन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 108 नंबर की बात करें, ए टेक्निक इन विच टू और मोर एजेंट्स आर कंबाइंड टू अचीव एनेस्थीसिया इज कॉल्ड, तो थर्ड नंबर इसका आंसर सही है। 109 नंबर की बात करें, एन आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड सिप दैट रिजल्ट फॉर्म मॉडरेट डिप्रेशन ऑफ CNS इज नॉन एज, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 110 नंबर की बात करें, विच इज एंटागोनिस्ट ऑफ जाइन, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 111 की बात करें, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टिफल जॉइंट्स इज कॉल्ड, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ब्रुनेल सूटर टेक्निक इज यूज फॉर, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 112 के बाद में 113 क्वेश्चन की बात करें तो मेडियल पैटेलर लिगमेंट इज एब्सेंस इन विच एनिमल, तो थर्ड ऑप्शन सही है। 114 नंबर की बात करें तो ओपेसिटी ऑफ आई लेंस इज इन डॉग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। 15वें क्वेश्चन की बात करें, रिटोनेशन ऑफ किस्ट अंडर द टंग इन ए बफेलो इज कॉल्ड, तो फोर ऑप्शन सही है। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 17वें क्वेश्चन की, एग्जोस्टोसिस और न्यू बोन ग्रोथ ऑन सेकेंड फालेनेक्स ऑफ ए हॉर्स इज नॉन एज, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। 118वां नंबर है, अ ट्रेच्ड मेथड इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 119वें क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पर्सनल मॉनिटरिंग ऑफ रेडिएशन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 120 नंबर, एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यूज इज नॉन एज, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और 121वें की बात करें तो जेप्स ऑपरेशन इज रिलेटेड विद, तो ईयर इज़ द राइट ऑप्शन। 122 की बात करें, ओवरलैपिंग मैट्रेस उस्टर्स आर अप्लाइड ऑन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। 123वें की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द हॉर्मोन्स कैन बी यूज फॉर द थेरेपी ऑफ ओवरियन क्रिस्ट्स इन डेरी काउस, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब 124 नंबर की बात करें, ए काउ इन इज इन एस्टर्स ऑन 10th of July, हर नेक्स्ट एंटिसिपेट डेट ऑफ एस्टर्स वुड बी ऑन, तो कब होगा ये आपको बताना था, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हॉर्मोन्स यूज इन OVSYNCH प्रोटोकॉल फॉर एस्टर्स सिंक्रोनाइजेशन इन काउज, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 126 नंबर की बात करें तो सुपर ओवुलेशन ट्रीटमेंट्स इन कैटल आर यूजुअली स्टार्टेड ऑन day 8 to 10 ऑफ एस्टर्स बिकॉज, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 126 के बाद 127 नंबर, एन इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअल कॉज ऑफ इन्फर्टिलिटी इन डेयरी काउज दैट रिजल्ट इन पोस्ट सर्विस पायोमेट्रा इंक्रीज सर्विसेज पर
कॉन्सेप्शन एंड एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ जेस्टेशन इज़, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। और 28वां क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हार्मोन इज इनोकरेक्ट इन द थेरेपी ऑफ यूट्रीन इन्फेक्शन इन काउस, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में आ जाइए 29वें क्वेश्चन पे, 129वां बोल रहा है, इन द ईयर ओल्ड बिच प्रेजेंटेड विद साइन ऑफ गैस्ट्रिटिस और पॉलीडाप्सिया फीवर एंड एब्डोमिनल डिस्ट्रेशन डिस्टेंशन दैट डेवलप्ड 2 मंथ आफ्टर मेटिंग द मोस्ट लाइकली क्लिनिकल डायग्नोसिस वुड बी, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब आ जाइए 30वें क्वेश्चन पे, पैराफिमोसिस मींस, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। 131वां क्वेश्चन है, स्पर्म डिफेक्ट इन बुल्स इन विच द मेन टेल पीसेस इज स्ट्रॉन्गली कोइल्ड ओवर द मिड पीस गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ शॉर्ट टेल एंड रिजल्ट एक्सट्रीमली पुअर स्पर्म मोडिलिटी इज नोन एज, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द हाइड्रोलैनटोसिस इन कैटल, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 133 जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉज ऑफ डाइस्टोकोसिया इन द बफेलो इज, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 133 के बाद 134 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच विद द रेफरेंस टू द डाइस्टोकिया, तो इसका फोर्थ जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच थे। 135 है, एक कॉन्जॉइंट ट्विन मॉन्स्टर फोटस विच इज जॉइंट एट द एक्सटर्नल रीजन इज टर्म्ड एज, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। 136 है, द स्पेसिस इन विच वेजिनल इंस्टमिनेशन नेशन इज परफॉर्म्ड एंड ए मिनिमम ऑफ 100 to 200 billion नॉर्मल मोटाइल स्पर्म आर डिपॉजिटेड इन द यूट्रस इन इज, तो आपको बताना है ये कौन सा आंसर सही है। तो फर्स्ट इसका आंसर सही है मेयर, घोड़ा, घोड़ी। और उसके बाद में 130 है, ये बुहनर इस्टर इज अप्लाइड फॉर, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। अब 138 पे आ जाते हैं, द लाइव स्टॉक कीपर्स कम्युनिटी इन राजस्थान एंड गुजरात टेक्स लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल एंड बफेलोस एंड फ्लॉक्स ऑफ शिप एंड गोट्स इन सर्च ऑफ बेटर पास्चर इन अदर लोकेशंस एंड स्टेट्स, दिस टाइप ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम इज नोन एज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 39 क्वेश्चन की बात करें, तो 39 में पूछा गया, द एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ एग इज जज्ड फ्रॉम इट्स, थर्ड ऑप्शन सही है। और 140 नंबर है, ए प्रैक्टिकल वे टू सप्लीमेंट आयरन एंड कॉपर टू द न्यू बॉर्न पिगलेट्स टू प्रिवेंट पिगलेट एनीमिया इज, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 141वां क्वेश्चन है, फीडिंग कोलोस्ट्रम विद इन फर्स्ट 2 hours ऑफ बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न इज एसेंशियल बिकॉज, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। और 142वां क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हैज़ गेंड मोमेंटम रिसेंटली इन द कंट्री बिकॉज ऑफ कंसर्न फॉर, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। 143, बफेलो मिल्क इज प्रिफर्ड ओवर काउ मिल्क फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ पनीर बिकॉज पनीर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बफेलो मिल्क इज वाइट इन कलर स्वीटेस्ट स्पंजी नटी फ्लेवर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 144वां है, मीट क्यूरिंग रेफर्स टू, फर्स्ट है आपका ऑप्शन सही इसमें। और 145वां है, विद रेफरेंस टू द डिज़ाइनर मीट प्रोडक्ट्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका
सही है 146 है। द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMS मेन सिस्टम ऑफ एक्सपोर्ट इन्फेक्शन एंड सर्टिफिकेशन बीइंग फॉलोड इन द इंडियन फूड सेक्टर इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है HACCP। और नेक्स्ट जो है 146 के बाद 147 क्वेश्चन है, द कार्बोनाइजेशन ऑफ वूल रेफर्स टू, तो सेकंड ऑप्शन सही है। 148वां क्वेश्चन है, गोल ओरिएंटेड सोशल ग्रुप आर, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और 149 जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम हेट्रोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, तो सेकंड ऑप्शन सही है F1 जनरेशन में। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन आया था 150, डायलेक्ट क्रॉसिंग इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन, तो पोल्ट्री फार्मिंग में जो होता है ये इसमें करते हैं इसको। तो आशा करता हूँ ये आंसर की आपको अच्छी लगी होगी, और इस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।